ऑनरेबल एसडी साहब के मुशीर फारूक खान हैं, साथ ही साथ लिए जो तालियां आपकी होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। नामवर शायद हैं कश्मीर के अली मोहम्मद शहबाज, जो कि अभी हमारे बीच है नहीं बदकिस्मती से, उनका एक कलाम है, उनका शेर है, पोशी मधु नंद्र पेयम चेंज गजल के अवान के वा, और हमारे वजीर मौसूफ की इजाजत से मैं उसका तर्जमा थोड़ा सा चाहूंगा करना। ड्रग्स के खिलाफ चौतरफा प्रहार करने की राष्ट्रीय स्तर पर योजना भी तैयार की है। इसमें जहां एक तरफ हम ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग ड्रग्स से दूर हों, ड्रग्स से दूर रहें, वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसकी चपेट में आ गए हैं उन्हें शिक्षित करने से लेकर उनके उपचार और पुनर्वास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि यह आंदोलन हमारे देश को नशा मुक्त बनाने के हमारे संकल्प को मजबूत करेगा। तो मैं शुक्रगुजार हूँ इंडिया का, भारत का, कि उन्होंने इस पे कदम उठाया कि मतलब ये नहीं करना चाहिए। फिर मुझे बड़गाम हॉस्पिटल वाले आए, हेल्थ वाले आए, तो उन्होंने मुझे कंसल्ट किया, वो किया, ये मतलब भरोसा दिला दिया कि बोला कि ये मत करो, मतलब ये गंदा वंदा है, मतलब ये नशा बहुत गंदा है। तो मेरे घर में माहौल बहुत ख़राब हुआ था, मतलब मेरे घर में कोई सिगरेट भी नहीं पीता है, मतलब मैंने मुझे दोस्त थे, मैं पढ़ता भी था, टेंथ पास मैंने किया है, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मुझे दोस्त आए पहली बार, तो उन्होंने मुझे यही किया, हीरोइन मैंने पहले किया, वो मुझे आए तो बोला इससे कुछ नहीं होगा, तो मैंने किया। फिर धीरे धीरे मैं पूरा एडिक्ट हो गया इसमें, मतलब कि मैं करता था, मुझे हो गए 3-4 साल हो गए मुझे मतलब ये करते हुए। मतलब मैंने छोड़ दिया, मैं आज फिट हूँ, मुझे हो गए, मतलब मैं उन्होंने मुझे कॉन्सल्ट किया, हॉस्पिटल भी गया, फिर दवाई ववाई, तो मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि मैंने छोड़ दिया। थैंक यू। सबसे पहले तो विजयन जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से, और उनके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूं जिन्होंने नशे के खिलाफ अभियान को एक जन आंदोलन की तरह जम्मू कश्मीर के 10 जिलों में चलाने के लिए हर प्रकार का सहयोग दिया है। जम्मू कश्मीर में लगातार फील्ड में काम कर रहे अधिकारी, हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं, वॉलंटियर्स को भारत सरकार का सहयोग मिलता रहा है। संख्या बल के हिसाब से 3 लाख युवा और 2,70,000 महिलाएं और 500 से ज्यादा शैक्षिक संस्थानों की सक्रिय भागीदारी से जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने के प्रयासों को काफी बल मिला है। माननीय वीरेंद्र जी से मेरा आग्रह होगा कि भारत सरकार की ओर से तो ऐसे बड़े कैंप एक कश्मीर डिवीजन के लिए और एक जम्मू डिवीजन के लिए आने वाले कुछ महीनों बाद आप अगर इसकी स्वीकृति प्रदान कर सकेंगे
बात कहता हुआ एक बार फिर से भारत सरकार के मंत्री वीरेन जी को मैं साधुवाद देता हूं और जिन लोगों ने इस अभियान को यहां तक पहुंचाया है उनको भी धन्यवाद देता हूं। जो गैर सरकारी संगठन है उनका भी सहयोग लेकर और इस कार्य में लगे हुए जो लोग हैं उन सबको जोड़कर हम कैसे अपने देश को नशा मुक्त बना सकते हैं। हमारे देश के जो सीमावर्ती राज्य हैं इन सीमावर्ती राज्यों में एक बहुत बड़ी चुनौती हम सबके सामने है। इस बात का उल्लेख हमारे पूर्ववर्ती सभी वक्ताओं के द्वारा किया गया, साथ ही साथ हमारे जो युवा अपने अनुभव यहां पर शेयर करने के लिए आए उनके द्वारा भी ये बात रखी गई। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जम्मू कश्मीर में जिन 10 जिलों में इस कार्य को प्रारंभ किया गया है वहां पर बहुत अच्छे इसके दृश्य देखने में आ रहे हैं। ये जो अभियान चलाया जा रहा है 10 जिले हमारे यहां के लिए गए हैं जम्मू कश्मीर के, उन 10 जिलों में उन 10 जिलों के साथ ही साथ हम अपने पूरे क्षेत्र से युवाओं को इस नशे की गिरफ्त से बाहर निकालकर उन युवाओं की शक्ति का उपयोग समाज के निर्माण में, जम्मू कश्मीर के विकास के निर्माण में, भारत के निर्माण के विकास में हम और युवाओं की भूमिका जोड़ने का काम करेंगे तो जो हमारी शक्ति अभी नशे के कारण अपव्यय हो रही है वो उस शक्ति का संचय करके उन युवाओं को परिवार के लिए भी हमको उपयोगी बनाना है, समाज के लिए भी उपयोगी बनाना है और देश के विकास में भी उनकी शक्ति का योगदान जोड़ने का संकल्प लेकर हम सभी अगर यहां से जाएंगे तो मैं समझता हूं कि भारत का जो नशा मुक्त बनाने का जो अभियान है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस अभियान के लिए पूरे देश से इसका आह्वान किया है मैं समझता हूं उसकी सही मायने में सार्थकता तभी होगी।